इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर विनेश कोच रुपेश जेटली। सेंसेक्स में फिर एक बार बदलाव हो सकता है। सेंसेक्स जो कि 30 शेयरों से बना है, इसमें बदलाव मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से होता है। इसमें जो भी शेयर्स आज की डेट में हैं वो सब लार्ज कैप हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से उन्होंने अपनी स्थिति यहाँ बना रखी है। समय समय पर जब मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी का कम होता है तो उसकी एग्जिट हो जाती है, और जिसका कैपिटलाइजेशन बढ़ता है उसकी एंट्री होती है। तो इस बार जो एंट्री होने वाली है वो है टाटा ग्रुप की एक कंपनी जिसका नाम है ट्रेंट, जो कि रिटेल सेगमेंट में काम करती है टाटा के लिए और बहुत सारे ब्रांड्स उनके पास हैं। और एग्ज़िट जो हो सकता है वो है बजाज ग्रुप की कंपनी बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व बाहर हो सकती है और ट्रेंट जो कि टाटा ग्रुप कंपनी है वो एंट्री ले सकती है सेंसेक्स में। इसका कारण है कि पिछले एक साल के अंदर ट्रेंट ने लगभग 3.5 गुना की बढ़ोतरी करी है रेट में अपने, या जिस रेट पे था उससे 3.5 टाइम्स करीब करीब वो बढ़ा है एक साल के अंदर, जबकि बजाज फिनसर्व उस तरह से नहीं बढ़ा, या मान ले 1.5% या 2% की ही बढ़त आई है और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी घटा है। जबकि ट्रेंड का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा है, तो अभी जो ये चल रहा है क्वार्टर, इसमें 30 अक्टूबर को या 31 अक्टूबर को एक इनकी समीक्षा बैठक होनी है, जिसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि कौन एंट्री लेगा और कौन एग्जिट। तो अभी जो प्रपोज्ड है या जो दिख रहा है उसके हिसाब से ट्रेंड की एंट्री हो सकती है और बजाज फिनसर्व बाहर हो सकता है। इसके लिए दिसंबर की 20 तारीख है कि वहाँ पे ट्रेंड हो सकता है एंटर करे, और उसी दिन एग्जिट होगी बजाज फिनसर्व की। तो बजाज फिनसर्व अगर एग्जिट होती है तो सेंसेक्स में अकेली एक बजाज फाइनेंस रह जाएगी जो लिस्टेड एंटिटी रहेगी बजाज ग्रुप की तरफ से। एक साल पहले बजाज ऑटो बाहर हुई थी, इस बार बजाज फिनसर्व उससे बाहर हो रही है, जबकि टाटा ग्रुप की कई कंपनियां हैं और ट्रेंट एक नया नाम होगा जो कि एंट्री ले रहा है। इससे इन दोनों के शेयर्स पे असर पड़ेगा और बजाज फिनसर्व खास करके उसमें बिकवाली देखी जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे इंडेक्स से जब इस तरह के इंडेक्स से बाहर होता है तो उसमें बिकवाली होती है कि वहाँ से जिन जिन लोगों ने ले रखा है या इंडेक्स फंड होंगे वो बाहर करेंगे, और ट्रेंट में एक खरीदारी दिख सकती है कि अगर ट्रेंट उसमें आ रहा है तो उसमें खरीदारी बढ़ेगी। इसके भी अलग अलग वो हैं, लगभग 5,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी आप देख सकते हो कि शायद ट्रेंट में हो, और 2,200 करोड़ के आसपास की बिकवाली शायद बजाज फिनसर्व में हो। लेकिन ये सब कयास हैं, जब तक कि ये प्रपोज्ड है तब तक ऐसा कुछ नहीं कह सकते। तो अभी ये मान के चलें कि ट्रेंड की एंट्री हो सकती है और बजाज फिनसर्व सेंसेक्स से बाहर हो सकता है। तो आगे के अपडेट्स के लिए बराबर बने रहें वीडियो पे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। We'll be right back.